वाओ, कोहरे के फूल के पकोड़े, लुकिंग सो यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में ये कोहरे के फूल के पकोड़े को बनाया है जो कि डिलीशियस तो है ही और ये बहुत हेल्दी भी माना जाता है और आज मैंने उड़िया स्टाइल में बनाया है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाने में और देरी नहीं करते, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। वाओ, ये है कोहरा का फूल और इस फूल से हम लोग अभी पकौड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि इस फूल को कट कैसे करें हम लोग। तो काटिए, ये देखिए, निकाल कर इसे कट करना है और सारा ऊपर ऊपर का जो है ये है उसको, हाँ, कांटेदार जो है उसको हटा के बीच से फाड़ कर और इसको निकालते जाना है और यहाँ एक प्लेट में हम लोग रखते जाएंगे। और ये जो डंठल है इसे भी हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसे ऊपर ऊपर का छील दीजिए। तो माँ, इसका सब्जी बनता है क्या? अच्छा, पकौड़ी भी बन सकता है। तो ऐसे हम लोग छील छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे भी इसमें रखते जाएंगे। तो इसका तो मैं वीडियो अभी थोड़े देर में बताऊंगी आपको, उसी बैटर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काट लेते हैं, दोनों को ही काट लेती हूँ दोस्तों, फिर आगे का वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये जो कोहरे के फूल में से निकल रहा है दोस्तों, इसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो पकौड़ी हमारा कड़वा हो जाएगा। इसलिए सारे इसके अंदर के ये वाला पोर्शन निकाल देती हूँ। ये जो आज मैं कोहरा का पकौड़ी बना रही हूँ दोस्तों, ये उड़ीसा में बहुत होता है और जगह भी होता होगा तो उतना हमको पता नहीं, लेकिन उड़ीसा के लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं, इसीलिए आज मैं ये उड़िया स्टाइल में आज बनाने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर दिया है। अब इसको करेंगे हम लोग साइड और एक पॉट में अब इसके बैटर को हम लोग घोलेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे चावल के आटे को और उसके बाद इसमें डालेंगे 4 चम्मच के आसपास मैदा, एप्रोक्स इसी के बराबर बराबर हम लोगों को डालना है। तो 4 से 5 चम्मच हमने मैदा डालना है, चावल का आटा उतना ही हमने बेसन के आटा को डाला है। तो अब इसे घोलेंगे, इसमें इसके पहले हम लोग सॉल्ट वगैरह मिला लेती हूँ। इसमें स्वाद के अनुसार सॉल्ट डालेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा भी सॉल्ट डालने का जरूरत नहीं है। इसमें 1 पिंच रेड चिल्ली डाला है हमने और 1 पिंच के आसपास ही इसमें मैगी मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये कोहरा का जो फूल हमने बनाया उसका फ्लेवर ही चला जाएगा, इसमें मैगी का ही पाउडर का टेस्ट आएगा। और 1 पिंच हम लोग इसमें इनो डाल देंगे ताकि इसमें इंस्टेंट खमीर हो जाए। अब इसे हम लोग पानी डालकर पहले मिला लेंगे और थोड़े थोड़े पानी डालकर गाढ़ा एक घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए पानी डालेंगे दोस्तों ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। और इनो मैंने इसलिए डाला है कि इसमें इंस्टेंट खमीर आ जाएगा। ये देखिए, हाथ से अच्छा से घोला जा रहा है और इसमें 1 पिंच के आसपास हम लोग मसाला नमक डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसमें काला नमक, जीरा, ये सब रोस्ट करके सब डाला हुआ है। मेरे दूसरे वीडियो पे आप देख सकते हैं कि इस मसाला नमक को मैंने कैसे बनाया है। ये अच्छे से हाथ से हमने फेंट दिया है। अब फूल को उठाते जाएंगे
और अंदर एकदम पतला पतला लेयर लगाना है, नहीं तो अंदर सीझेगा ही नहीं। अब इसमें डुबाइए अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इसे डुबाते जाएंगे और इधर हमारा ऑयल का पैन गर्म है, इसमें डालते जाएंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक हम लोग तल लेंगे। पहले एक तल लेती हूँ क्योंकि ये उतनी अच्छी तरीके से गर्म नहीं हो पाया था, मीडियम टेम्परेचर पर ही रखना है, बहुत हाई टेम्परेचर रखना नहीं है। अब दूसरा डालिए। ऐसे ही करके जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी उतनी मैं पहले बना लेती हूँ दोस्तों। ये जो हमारा बैटर है, आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी कट करके डाल सकते हैं। कुछ प्लेन वाला मैं बनाती हूँ और कुछ धनिया पत्ता कट के आपको फिर वो वाला भी बताती हूँ, वो भी फ्लेवर अच्छा लगेगा। अब इसे हम लोग पलट देंगे ताकि दोनों तरफ अच्छा से बराबर से लाल हो जाए। ये काफी क्रिस्पी और डिलीशियस बनने वाला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, गोल्डन कलर का एकदम से लाल हो चुका है। इसके ऑयल को ड्रेन आउट करते हुए पेपर नैपकिन पर रखते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो चुका होगा ऑयल सब इसमें निकल जाए। वाव, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना डिलीशियस ये कोहरा के फूल का पकौड़ी है। तो इसी तरीके से सेकेंड बैच भी मैं डाल लेती हूँ। अब देख रहे हैं कैसे प्रोसेस से ये बन रहा है। टेम्परेचर को अच्छे से मीडियम पे ले आती हूँ। बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे दोस्तों तो इसमें ज्यादा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बहुत हाई कर देंगे तो ये जल्दी जल जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं। भी ऐसे ही मीडियम टेम्परेचर पर गोल्डन कलर आने तक तल लेती हूँ दोस्तों। ये जो आज मैं कोहरा का फूल बना रही हूँ, इसे उड़िया लोग तो बहुत पसंद करते ही हैं और बंगाली लोग भी बहुत पसंद करते हैं, उनके भी घर में ये अक्सर बनता है क्योंकि ये बहुत हेल्दी ये इस फूल को माना जाता है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, मैंने सादे वाले बना लिए। अब इसमें थोड़े से हम लोग दो चार धनिया पत्ते वाले बनाएंगे। बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें बस धनिया पत्ता मिला देना है और ऐसे ही सब उसे वैसे ही प्रोसेस रहेगा और डाल कर तलते जाना है ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फ्लेवर। ये दारू के चखना के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारी अम्मा भी बोल रही है कि खाना के लिए भी ठीक है ये और दारू का चखना के लिए भी ठीक है। ये हमारे यहाँ काम करती हैं ये अम्मा। इतना शानदार बनकर आया है दोस्तों। सिजलर और क्रिस्पी तो इतना है कि पूछिए मत दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज सुन सकते हैं, कितना ये क्रिस्पी बना है। ये देखिए, भरपूर मैंने बना लिया है और भी थोड़ा तल ले रही हूँ, बाकी थोड़े से हस्बैंड के लिए दो चार पीस रख दूंगी, गर्मा गर्म उनको तल के खिलाऊंगी। तब तक आइए इसकी प्लेटिंग हम लोग कर लेते हैं। इधर जब तक मैं प्लेटिंग करने का स्टार्ट करती हूँ तब तक ये पहले आपको बता देती हूँ दोस्तों कि इसे भी फेंकना नहीं है हमें, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर वैसे ही पकौड़ी जैसा तल देना है।
इसके जो पत्ता इसका जो पत्ता है दिखाइए माँ, इसे भी हमने धोकर इसमें एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब ये कट चुका है, इसे अच्छे से गूंद लेंगे हम लोग और छोटे छोटे, हाँ पेड़े जैसा शेप देते हुए इसे चपटा चपटा हम लोग डालकर तलते जाएंगे। ऐसे ही करके इसे तल लेना है दोस्तों, जैसे पहले वाले कोहड़े के पकोड़े को हमने तला था, इसे भी ऐसे ही गोल्डन कलर आने तक हम लोग मीडियम टेम्परेचर पर तल लेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। ये दोस्तों ये भी हमारा हो चुका है, अब इंडक्शन को हम लोग ऑफ कर दिए हैं। इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये भी बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने घर में ट्राई करें और इस रेसिपी के बारे में अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों ये जो हमने कोहड़े के फूल को तला है तो इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारा प्लेट रेडी है और इधर हमने ये जो मैगी मसाला पाउडर था वो निकाल लिया है एक प्लेट में, इसमें थोड़ी सी 1 पिंच के आसपास रेड चिली मिला दूंगी ताकि और भी चटपटा लगे। इसको मिक्स कर दूंगी और फिर प्लेटिंग करके ऊपर से छिड़कना है हमें। आप नहीं भी छिड़केंगे तो भी अच्छा लगेगा। इसे अब एक लाइन से सरियाती जाती हूँ मैं। एक साइड में हमने धनिया पत्ते वाले रख दिए हैं और अब रखूंगी ये प्लेन वाले। प्लेन वाले भी बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है खूब सारा और इसके ऊपर ये जो मसाला मैंने रेडी करके रखा है ये सब छिड़क देती हूँ, इसके फ्लेवर में और भी इजाफा हो जाए। और ये है हमारा टमाटो सॉस, बीच में धनिया पत्ता से मैंने सजा दिया है, साइड में धनिया पत्ता रख देती हूँ। देखिए दोस्तों कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था इस कोहड़े के फूल के पकोड़े को बनाना। आज जो मैंने उड़िया स्टाइल में बनाया है इसे बंगाली लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसका फोटो ले लेती हूँ पहले। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई दोस्तों तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।